हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम फूल सिंह योगी फ्रॉम श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा एंड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आई विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लेबलिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बाय HI मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड राइज एंड फॉल मेथड इन सर्वे सब्जेक्ट। दिस वीडियो लेक्चर नंबर 10 इन सर्वे सब्जेक्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा था, मैंने डिस्कस किया था कि आपका जो कोई न्यूमेरिकल है, लेवलिंग वाला क्वेश्चन है, उसको किस तरीके से लेवल बुक में फिलअप किया जाता है, भरा जाता है, और फील्ड बुक के माध्यम से उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, चाहे आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हो, चाहे आपका राइज एंड फॉल मेथड हो, उसमें किस तरीके से उसे यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जो ये न्यूमेरिकल होता है काफ़ी वेरी सिंपल होता है, बट यदि आपके एक बार समझ में आ जाता है कि आपकी बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर साइड रीडिंग कौन सी है, इंटरमीडिएट रीडिंग को यदि आप पहचान लेते हैं, तो आपको जो आपकी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। बट यदि आपने फर्स्ट अपॉन यदि रीडिंग सही तरीके से नहीं पहचान में आई है आपके, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर ऑब्जर्व सक्सेसफुली विथ ए लेवल द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय थर्ड सिक्स एंड एट्थ रीडिंग। इसका मतलब समझिए आप कि आपने कोई स्टॉप रीडिंग पढ़ी है, कोई आप जब लेवल कर रहे हैं, तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है इज मूव्ड बाय, मूव्ड किया गया है थर्ड सिक्स और एट्थ रीडिंग्स। थर्ड रीडिंग्स पर आपको कौन सी बात याद, मैं आपको बताऊं कि यह आपको नीचे रीडिंग दी हुई है 2.228, नेक्स्ट 1.606, नेक्स्ट है 0.988, नेक्स्ट 2.090, नेक्स्ट 2.864, नेक्स्ट 1.2862, नेक्स्ट 0.602, नेक्स्ट 1.982 और नेक्स्ट रीडिंग है 1.044, नेक्स्ट 2.684 मीटर। इंटर द रीडिंग्स इन रिकॉर्ड बुक एंड कैलकुलेट RL इफ़ द फर्स्ट रीडिंग वॉज टेकन एट ए BM बेंच मार्क ऑफ 432.383 मीटर। अब ये कह सकते हैं कि आपको जो RL कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रीडिंग पर आपको टेकन एट द बेंच मार्क आपको RL दिया हुआ है 432.383 मीटर का, आपको अब प्रत्येक पॉइंट पर RL निकालना है। अभी स्टेशनों पर आपने रीडिंग देखी, यदि आप ये कहें कि जब आप फील्ड में सर्वे करते हैं, लेवल चेक करते हैं, तो आपका पहला काम होता है कि फर्स्ट जो रीडिंग होती है वो आपकी पहली रीडिंग होगी बैक साइड BS, इसमें आप लिख दें BS बैक साइड रीडिंग, सॉरी ये वाले 2.282 BS, और आपने जहाँ पर चेंज किया है, चेंजिंग पॉइंट है, वो आपकी फोर साइड रीडिंग होगी। तो थर्ड रीडिंग कैलकुलेट कीजिए 1, 2 और 3, ये आपकी फोर साइड रीडिंग हो गई FS। नेक्स्ट चेंज किया गया सिक्स रीडिंग 4, 5 और 6, जहाँ पर चेंज किया जाता है वहाँ पर रीडिंग होती है आपकी फोर साइड FS।
नेक्स्ट चेंज किया गया था 8th रीडिंग, 7 और 8 FS। नेक्स्ट यदि बात करूँ मैं, लास्ट जो रीडिंग होती है वो भी आपकी FS रीडिंग होती है। तो आपकी इस तरीके से रीडिंग है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हमेशा याद रखना कि पहली रीडिंग होगी, बैक साइड रीडिंग होगी, और जिस पॉइंट पर वो चेंजिंग पॉइंट की बात करेगा कि मूव्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, जो आपको इंस्ट्रूमेंट को मूव कराया गया है, तो वो आपकी रीडिंग होगी 4 साइड रीडिंग। और बीच में जितनी भी रीडिंग होगी वो आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग होगी, बट आपकी 4 साइड रीडिंग के बाद जब शिफ्ट किया गया था वो आपकी बैक साइड रीडिंग होगी। यदि मैं बात करूँ ये 4 साइड रीडिंग है, तो ये आपकी कौन सी रीडिंग होगी? बैक साइड रीडिंग होगी। नेक्स्ट यदि ये 4 साइड रीडिंग है, तो ये वाली रीडिंग कौन सी होगी? बैक साइड रीडिंग। ये 4 साइड रीडिंग है FS, ये वाली, तो आपकी ये कौन सी होगी? बैक साइड रीडिंग। इस तरीके से आपको ये रीडिंग, आपकी जो लेबल बुक है उसमें फिलअप करनी है। पहली रीडिंग बैक साइड में बता देता हूँ, ये बैक साइड रीडिंग होगी, ठीक है। लास्ट रीडिंग आपकी 4 साइड रीडिंग होगी, इतना आपको पता है। बट यदि मैं बात करूँ थर्ड पर शिफ्ट किया गया, तो ये कौन सी होगी? 4 साइड रीडिंग। अगर मैं 4 साइड की बात करूँगा तो ये 4 साइड रीडिंग। 6th की बात करूँ मैं, तो ये भी क्या होगी आपकी? 4 साइड रीडिंग। और 8th की ये भी 4 साइड रीडिंग। और यदि आप कहें कि बैक साइड, पहली रीडिंग बैक साइड, 4 साइड के बाद में बैक साइड, और ये भी 4 साइड के बाद बैक साइड, और ये भी बैक साइड रीडिंग। अब जितनी भी रीडिंग बची है वो IS रीडिंग होगी आपकी। कौन सी होगी? IS रीडिंग। एक वो रीडिंग, एक ये रीडिंग, ये आपकी IS रीडिंग होगी। तो आप देखिए, आप लेबल बुक में फिलअप करिए इसको, चाहे आप कोई से मेथड से करें। इस एग्जांपल को आप दोनों मेथडों से करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हल करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय HI मेथड, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। फर्स्ट पाम आपका जो टेबल बनाना है वह है, पहले कॉलम में लिखेंगे स्टेशन, सेकंड में बैक साइड, क्योंकि आप बैक साइड रीडिंग पढ़ते हैं पहली, फिर आप कौन सी रीडिंग पढ़ते हैं? IS रीडिंग, इंटरमीडिएट रीडिंग, और फिर 4 साइड रीडिंग। ये रीडिंग आप लेवल बुक में पढ़ते हैं। और पहला आपका रहा है कि बेंच मार्क, पहला पॉइंट जो होता है आपका बेंच मार्क होता है, उस बेंच मार्क पर आपको RL दिया होता है। जैसे कि आपको RL ये दिया हुआ था, तो ये RL कर लेंगे। तो आप लेवल बुक में पहली रीडिंग आपने कौन सी भरी? 2.2828 बैक साइड, फिर IS रीडिंग, फिर ये FS। इसके बाद यहाँ थर्ड पॉइंट पर, थर्ड रीडिंग पर क्या कर दिया गया था? शिफ्ट कर दिया गया था। अब थर्ड देखिए, अब थर्ड रीडिंग कौन सी थी? ये 0.988, ये कौन सी हो गई आपकी? 4 साइड रीडिंग, जहाँ पर आपको चेंज किया गया था। अब सिर्फ मैंने कहा था कि जहाँ पर चेंजिंग पॉइंट होगा उस जगह पर आपका 2 रीडिंग होगी, एक 4 साइड और एक बैक साइड। ये 4 साइड रीडिंग होगी। अब रीडिंग जो आएगी वो बैक साइड आएगी, 2.009। देखिए, जिसके बाद ये आपकी 2.029 कौन सी हो गई? बैक साइड रीडिंग। ये आपकी बैक साइड। इसके बाद आपकी जो रीडिंग है IS रीडिंग, और फिर 6th पर चेंज किया गया था, एक तो थर्ड पर हो गई, एक 6th पर चेंज किया गया था, 6th पर ये वाली 6, ये कौन सी हो गई? FS। कौन सी हो गई? FS 1.262। यदि आप एग्जांपल देखें 3, 4, 5 और 6, ये वाली रीडिंग, ये कौन सी हो गई? FS। इसके बाद ये क्या होगी आपकी? बैक साइड 0.602। ये देखिए, ये आपकी बैक साइड रीडिंग। इस तरीके से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपकी जो रीडिंग है वो 8th रीडिंग, 8 नंबर की रीडिंग, वो कौन सी है? वहाँ पर चेंजिंग पॉइंट किया गया, तो ये आपकी कौन सी होगी? 4 साइड रीडिंग। उसके बाद आप रीडिंग पढ़ेंगे वो बैक साइड रीडिंग, और लास्ट रीडिंग आपकी हमेशा रहेगी वो 4 साइड रीडिंग होगी। हम नेक्स्ट
कैलकुलेट करने के लिए आपको याद रहे एच आई निकालना होता है, और एच आई का मैंने फॉर्मूला बताया था कि एच आई बराबर आर एल, जो आपका प्रीवियस आर एल है या फिर आपका बेंच मार्क पर आर एल है। यदि स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप बेंच मार्क का आर एल लेंगे, यदि आप नेक्स्ट पॉइंट होकर निकाल रहे हैं तो वो आपका जो प्रीवियस जस्ट प्रीवियस वाला आर एल है उसको आर एल को लेंगे, प्लस बैक साइड रीडिंग बी एस को यदि आप ऐड कर देते हैं तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाता है। तो 432.384 प्लस 2.228 इसमें ऐड किया आपका जो आया था 400 इतना। नेक्स्ट आपको आर एल निकालना होता है, हैंड आउट करना होता है, तो आर एल बराबर एच आई माइनस आई एस या एफ एस, आर एल माइनस एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट रीडिंग और फोर साइड रीडिंग। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एच आई आपको दिया हुआ है 434, इसमें से आपको माइनस करना है आई एस, आई एस रीडिंग कितनी है 1.606, जब आप माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 433.0006, ये आपका आर एल होगा इस पॉइंट का। नेक्स्ट आपकी ये एफ एस रीडिंग है, इसको माइनस करेंगे किस में से, इसमें से ही एच आई में से, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट का आर एल आ जाएगा कितना 633.624। अब ये आर एल आ गया। नेक्स्ट आपका चेंजिंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट जहाँ पर आपको वेबसाइट होगी वहाँ पर आपको एच आई निकालना होगा। चेंजिंग पॉइंट पर दो रीडिंग होगी, वेबसाइट और फोर साइड रीडिंग। यहाँ पर इस आर एल के इस फोर साइड के माध्यम से आपने आर एल फाइंड आउट किया है, और अब आपका ये बैक साइड है, बैक साइड की मदद से यानी आर प्रीवियस पॉइंट का आर एल, ये वाले पॉइंट का आर एल को ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आपका एच आई आ जाता है। अब इसके बाद एच आई में से आपको माइनस करना होता है आई एस या फिर एफ एस, इस एच आई में से माइनस करने के बाद में इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा। ठीक है, पहले इसका आ जाएगा। अब ये आर एल आपका आ गया, इसके बाद आपके यहाँ पर बैक साइड दी हुआ है तो बैक साइड को एच आई निकाला जाता है, आर एल प्लस बैक साइड, तो ये आपका एच आई आ जाएगा। और इस एच आई में से यदि आप माइनस करते हैं फोर साइड ये वाले, तो आपका इस पॉइंट का आर एल आ जाता है। अब ये आर एल आने के बाद में आपको ये आपको यहाँ पर बैक साइड दिया हुआ है, इस बैक साइड को आप इसमें ऐड कर देंगे और आपके ये एच आई निकाल देंगे, ये वाला एच आई, इस एच आई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया आपके। इसके बाद में आपका एच आई निकालने के बाद में इस पॉइंट का आर एल निकालना है, ये वाले पॉइंट का। तो ये वाले पॉइंट के आर एल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच आई माइनस एफ एस या आई एस, आई एस है नहीं इसमें, तो एफ एस या एफ एस को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 431.432। नेक्स्ट आपको चेक करना होता है कि आपको जो किया है वो सही है या गलत है कैलकुलेशन। तो आपका फर्स्ट पॉइंट का काम यही रहेगा कि चेक लगाए। चेक क्या होता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड, यानी ये बैक साइड रीडिंग जितनी भी है उनका जोड़, उनका ऐड किया वो आया आपका 5.964। नेक्स्ट एफ एस, समीशन ऑफ एफ एस सारी एफ एस रीडिंगों को ऐड किया और इसके आपका आया 6.916। इन दोनों का माइनस करने के बाद माइनस के 9.52 आया, वो इक्वल होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका लास्ट आर एल कितना 431.432, माइनस करेंगे आप किस में से 432.384। यदि आप देखिए इसमें से माइनस करते हैं तो ये आपका सेम आता है कितना, माइनस के 0.952, ये भी यहाँ पर इतना ही है। यदि ये दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज गलत। ये होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। नेक्स्ट यदि मैं आपसे बात करूँ राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, तो राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आपको रीडिंग फिलअप करना तो वही माध्यम होता है, जैसे आप देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड।
फर्स्ट काम आपका रीडिंग फिलअप करना, कि आपको रीडिंग पहले वेबसाइट रीडिंग, फिर आईएएस रीडिंग, फिर एफएस रीडिंग। फिर अगर चेंजिंग किया गया है थर्ड पॉइंट पर, तो आपको वेबसाइट, फिर आईएएस, फिर एफएस। सिक्स पॉइंट पर चेंज कर दिया, सिक्स रीडिंग हो गई, तो सेवन नंबर की जो रीडिंग है वो किस में आएगी? वेबसाइट में आएगी, तो आपने वेबसाइट में लिख दिया। लेकिन एट नंबर पर शिफ्ट कर दिया, तो एट वाली नंबर वाली रीडिंग कौन सी हो गई आपकी? वो फोर साइट रीडिंग हो गई। एट नंबर की कौन सी? ये वाली, ये फोर साइट हो गई। अब इसके बाद जो रीडिंग होगी वो क्या होगी? बैक साइट होगी। नाइन नंबर की ये बैक साइट हो गई। अब आगे कोई रीडिंग नहीं है, कोई चेंजिंग पॉइंट नहीं है, तो लास्ट रीडिंग है। लास्ट रीडिंग ये कौन सी हो जाएगी? फोर साइट रीडिंग हो जाएगी। इस तरीके का आपको फिलअप करना होता है। फिर इस टेबल के अंदर एक्स्ट्रा जो जुड़ता है वो राइज, पहला काम रहेगा आपका राइज जुड़ेंगे, फिर फाल, फिर आरएल और रिमार्क। राइज कब आएगा? अगर पॉजिटिव आता है तो राइज है, अदरवाइज नेगेटिव आता है तो फाल। पहला काम आपका ये रहेगा कि प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग। यदि आप माइनस करते जा रहे हैं पीछे वाली रीडिंग में से, नेक्स्ट रीडिंग जो आ रही है आपकी वो घटाते जा रहे हैं, तो आपको पहला काम है कि आपकी पहली रीडिंग कौन सी होती है? बैक बेंच मार्क पर रीडिंग होती है, वो बैक साइड रीडिंग होती है। उसमें से यदि आप माइनस कर रहे हैं कौन सा नेक्स्ट रीडिंग, वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है? यदि पॉजिटिव है तो राइज है। क्यों पॉजिटिव कब आएगी? तो पीछे वाली रीडिंग क्या है आपकी? ज़्यादा है। राइज कब होगा? यदि आप कहें कि दो स्टेशनों के बीच की कंपेरिजन करनी है, पीछे वाला स्टेशन था उस पर रीडिंग आ रही है आपकी, ये देखिए 2.228, और मैंने आपको बताया था रीडिंग ज़्यादा कब आएगी? जब वहाँ का लेवल है वो डाउन होगा। यदि ज़्यादा डाउन लेवल है तो वहाँ की रीडिंग अधिक आएगी, और अप है तो वो रीडिंग कम आएगी। तो आपका 2.228 रीडिंग स्टाफ में पड़ी गई है स्टेशन नंबर फर्स्ट पर बेंच मार्क पर, और जो नेक्स्ट रीडिंग पड़ी गई है वो आपकी आ रही है 1.606 रीडिंग आपने पढ़ी, और इस रीडिंग के अंदर आपने माइनस किया, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब राइज। कितना राइज? कितना? 6.622 राइज है। तो आपको जो प्रीवियस आरएल था उसमें क्या है, ऐड करना है। 432.384 में आप यदि जोड़ेंगे 0.622, तो ये आपका आएगा 433.006। इस तरीके से आपको ऐड करके आरएल निकालना है। यदि वो माइनस आता है, फाल आता है, तो आपको प्रीवियस जो आरएल था उसमें से माइनस करना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है। जैसे मैं नेक्स्ट रीडिंग की बात करूं कि प्रीवियस रीडिंग इस पॉइंट के लिए अगर मुझे ये आरएल निकालना है, आरएल निकालना है ये वाला, ठीक है, ये कैसे निकलेगा? क्या आपकी प्रीवियस रीडिंग कौन सी? ये वाली रीडिंग। प्रेजेंट रीडिंग जो आपकी कौन सी? ये वाली। इसमें से यदि आप माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, 1.606 में से यदि घटा दें आप, कितना? 0.988, तो आपको पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना? 0.618, तो आप क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इस पॉइंट का आरएल निकालना है आपको। तो आपने देखा कि ये रीडिंग आपका यहाँ तक हो गई, इस पॉइंट पर जो रीडिंग है वो ये रीडिंग है, इससे पीछे वाली रीडिंग कौन सी थी? बैक साइड रीडिंग, ये। इसमें से इसी इसको माइनस करेंगे। यदि 2.090 का अगर आप माइनस कर रहे हैं 2.864 में से, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। नेगेटिव को क्या कहेंगे आप? फाल कहेंगे। फाल कितना? ये वाला 0.774। तो आपको जो प्रीवियस पॉइंट का आरएल था ये वाला, इसमें से आपको ये माइनस करेंगे तो ये आपका आरएल आ जाएगा। इस तरीके से यदि आपका नेगेटिव है तो आरएल को माइनस करते हैं पीछे वाले आरएल में से, जो राइज फाल आता है उसको माइनस चिन्ह लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको, और यदि राइज है तो उसको पिछले वाले आरएल में जोड़ देते हैं। प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, यानी आप जिस पॉइंट पर आरएल निकालें उस पॉइंट की रीडिंग आपको कंपेरिजन करनी है पीछे वाले में से घटानी है। यदि वो पॉजिटिव आती है तो राइज है, और यदि वो नेगेटिव आती है तो वो फाल है। इस तरीके से आपको प्रत्येक पॉइंट का आरएल निकाल लिया जाता है। चेक आपको इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यदि मैं आपसे कहूँ, पहला आपने देखा था कि समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड
तो समेशन ऑफ बैक साइड रीडिंग ये आएगा, और ये आपको जो इसका सब्ट्रैक्ट आ रहा था वो आ रहा था 0.952। नेक्स्ट आपका एक चेक होता है लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल माइनस करेंगे तो ये सेम आ रहा है। बट एक और लगाना होता है राइज एंड फॉल मेथड के अंदर, समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, समेशन ऑफ राइज यानी इन तीनों को ऐड करके, समेशन ऑफ फॉल को ऐड करके तीनों आर एल को यदि आप माइनस करते हैं तो वो भी इसके इनके इक्वल आना चाहिए, तो आपका आंसर फाइनल सही होता है, अदरवाइज गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आपको राइज एंड फॉल मेथड साथ के साथ में चेक करना होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो सही है या गलत है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और यदि नहीं आता है तो और मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा और वीडियो में। तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, आपको रीडिंग पढ़नी है, आनी चाहिए कि बैक साइड रीडिंग कौन सी है, फोर साइड रीडिंग कौन सी है, उसे किस तरीके से फिलअप करते हैं। यदि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इजीली समझ में आ जाता है। आपको जहाँ पर चेंजिंग पॉइंट दिया हुआ था वो फोर साइड रीडिंग होती है, और फोर साइड रीडिंग के तुरंत बाद आती है आपकी बैक साइड रीडिंग, और पहली रीडिंग बैक साइड होती है और लास्ट रीडिंग फोर साइड रीडिंग होती है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आपको जो यदि राइज एंड फॉल मेथड से कर रहे हैं तो प्रीवियस वाली रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से कर रहे हैं SI निकालना है तो उसके लिए आपको RL प्रीवियस RL प्लस बैक साइड रीडिंग तो SI आ जाता है, और यदि RL निकालना है तो SI माइनस IS या FS ये आपको करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे डिस्कस करेंगे कंटूर के बारे में। कंटूर भी एक लेवलिंग का ही पार्ट होता है, एक तरीके से आप लेवलिंग के माध्यम से ही कंटूरिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।